बोले तो आप ऐसा करें कि आप ही सवाल करें। तो सर आप बोले ना, आपको खुद अभी भी नहीं बोलने दे रहे आप, अभी भी नहीं बोलने दे रहे, बोले अभी भी नहीं बोलने दे रहे आप। साफी का काम होता है सवाल करना, कुरान की मोहब्बत में तेजाज करना। सर कुरान की मोहब्बत चार दिन पहले क्यों नहीं याद है, जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया तभी आप लोगों की जमात ने कर दिया, बाकी जो जब ये घूमते होते हैं। मेरा सवाल ये है कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, आपकी जमात से पहले अनाउंसमेंट नहीं आई इत्तला के लिए आ जाएगा। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मौलाना साहब एक तो इधर खामोश कर, ये तो लगे रहेंगे, इनको लगे रहेंगे। आपका एहतजाज तो दाता दरबार से उस साइड पे था, इधर क्या करने आए? दाता दरबार ही जा रहे हैं ना हम लोग, दादा वापिस आए आप लोग वहाँ से? आप वहाँ से वापिस आए उस साइड से? हर जगह एहतजाज जारी रहेगा हमारा, हर जगह। एहतजाज का जो रूट दिया है अलामा साहब ने, किसी ने भी नहीं दिया, अलामा सादरजी साहब ने दाता दरबार से वहाँ तक दिया। हमारा मुल्क है, जिधर हम जाना चाहे जा सकते हैं। जो रूट प्लान दिया हमने कोई रूट प्लान नहीं दिया। यहाँ पे तो पहले एक जमात एहतजाज कर रही, यहाँ एक जमात पहले एहतजाज कर रही है, आप लोगों के सियासी खिलाफ आते हैं, ठीक है? तो एक तो इस तरह तो इश्तियाल पैदा होगा, इश्तियाल पैदा होगा। आप लोग आके नारेबाजी कर रहे हैं, आप लोग सवाल करेंगे जवाब लेंगे। सर मैं तो सवाल कर रहा हूँ, सवाल इतने कर रहे हैं कि जवाब ही नहीं ले रहे हैं आप। दे जवाब, गलत की बात है। नहीं नहीं, एक पे एक सवाल किए जा रहे हैं, साफी का काम होता है सवाल करके। आप जवाब अभी भी नहीं ले रहे आप, जवाब अभी भी आप ही बोल रहे हैं। अगर आप ही नहीं बोलना है बोले, आप ऐसा करें कि आप ही सवाल करें। सर आप बोले ना, आपको खुद अभी भी नहीं बोलने दे रहे आप, अभी भी नहीं बोलने दे रहे बोले, अभी भी नहीं बोलने दे रहे आप। साफी का काम होता है सवाल करना, सवाल करके उसके बाद जवाब लेना। ये बात अभी भी नहीं बोलने दे रहे आपने, तीन दफा अभी भी नहीं बोलने दे रहे जवाब नहीं दे रहे। मैं इससे आगे तब चलूंगा जब आप यहाँ रुकेंगे। चार दफा तो रिपीट कर लिया आपने। इससे आगे तब चलूंगा जब आप यहाँ रुकेंगे। हिम्मत करें, अपने अंदर साफाना जज्बा पैदा करें, साफी वाले उसूल पैदा करें अपने अंदर। मुझे लेक्चर ही दे आप, जवाब लेक्चर भी दूंगा और जवाब भी जवाब देना। अभी भी नहीं जवाब ले रहे आप। हां बोले। अब मैं आगे चलता हूँ। हमारा एहतजाज के लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क है, हम जिधर चाहे जा सकते हैं, जितनी बार चाहे जा सकते हैं, जहाँ से मर्जी घूमे हम जा सकते हैं, जहाँ से मर्जी वापस आए आ सकते हैं, जहाँ मर्जी जा सकते हैं। एहतजाज हो रहा कुरान के लिए। अगर जो भी कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से मोहब्बत करने वाला सिर्फ कुरान की मोहब्बत में एहतजाज करेगा। आपने कहा इंतशार होगा, अगर कोई इंतशारी इंतशार करता है इसका मतलब है उसे कुरान से मोहब्बत नहीं है। यहाँ मोहब्बत हो रही है कुरान की, कुरान की मोहब्बत में सब कुरान की मोहब्बत में एहतजाज कर रहा है। सर कुरान की मोहब्बत चार दिन पहले क्यों नहीं याद है, जैसे इमरान खान साहब ने ऐलान किया तभी आप लोगों की जमात ने कर दिया, बाकी जो हुकूमत ने कर दिया। जवाब पहले कहाँ थे उसकी भी जवाब देता हूँ। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में जब थे उस वक्त आसिया मलूना को रिहा उन्होंने किया, उस वक्त जब जितनी मरतबा गुस्ताखी हुई तब लबैक वाले निकले। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि इमरान खान अपनी हुकूमत में रहकर एहतजाज क्यों नहीं याद आया? जब हुकूमत में होते बयान हो रहा होता है, जब अपोजिशन में होते बयान हो रहा था, हूँ मंजी ठोकन लगी है तो सारियां नामूसे कुरान याद आ गया। लबैक की तारीख देखें, जब भी नामूसे रसालत पर हमला हुआ सबसे पहले हम लोग निकले। तो इसलिए जब ये हुकूमत में होते, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया, आपकी जमात से पहले अनाउंसमेंट नहीं आई? इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे पहले नामूसे रसालत के लिए तहरीक लबैक निकली है। साथ ये कुरान पाक की जो बेहुर्मती हुई है स्वीडन के अंदर उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। साद हुसैन रिजवी साहब का बयान रिकॉर्ड पर है, सबसे पहले हम लोग निकले। अब जो आपका रूट प्लान है, आप लोगों का रूट प्लान के हिसाब से जाना चाहिए था। चलो जी ठीक है, ओके। नाज़रीन वाले अब दाता साहब जा रहे हैं, देखें यहाँ पर क्या करने आए थे और क्यों आए थे। ये इश्तियाली इश्तियाल इश्तियाल दिला रहे हैं ये लोग, और ये जो है इंतहाई गलत बात है। पीटीआई के लिए यहाँ पर शरारत की कोशिश की गई टीएलपी की तरफ से, लेकिन ये इंतहाई गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मजहबी करिंदे हैं आप लोग, मजहब के नाम पर निकले हैं, तो आपको इस तरफ नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत सारे सवालात करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो अमीर थे वो मुझे सहाफत पढ़ाने की कोशिश में लग गए, सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। अरे अगली वीडियो तक के इंतज़ार कीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।